प्रश्न करते हैं कि यह जीव ऐसा क्या जीवन में करे कि अंत में वह भगवत रूप को ही प्राप्त हो। तो जवाब दिया उसके लिए वो अपने धर्म के ऊपर अडिग रहे, धर्माचरण के साथ में जीवन। माता आप बोल रही हैं धर्माचरण करें, तो ब्रह्मचर्य आश्रम से लेकर के सन्यास आश्रम तक की बात बहुत बारीकी से वर्णित की गई। संध्या कर्माग्निकारस्य धर्मोहम ब्रह्मचारिणाम, ब्रह्मचारी के लिए संध्या सूर्य भगवान को अर्घ, यज्ञ, इन अद्भुत बातों का वर्णन किया गया। साधारणम ब्रह्मचर्यम प्रोवाचा कमलोद्भवा, यहाँ एक बड़ी सुंदर बात भगवान ने कही है, बचपना 25 तारीख तक जिनका संयमित यह जीवन निकलता है, बचपन से लेकर 25 वर्ष तक, उनकी युवान अवस्था और उनके बुढ़ापे को कोई बिगाड़ नहीं सकता, और जिनकी वृद्धावस्था सुधर गई है उनकी मृत्यु को कोई नहीं बिगाड़ सकता, और जिनकी मौत सुधर गई है उन्हें भगवान के भवन में जाने से नहीं कोई रोक सकता। छोटे छोटे बच्चों को इतने अच्छे संस्कार दीजिए, चाहे बेटा हो चाहे बेटी, उन्हें संस्कार दीजिएगा, इन्हें धर्म कर्म से जोड़िए, अद्भुत संस्कारों से जोड़िए, बहुत ज्यादा जरूरी है। ध्रुव अंबर से नहीं टपके, वह भी कोई माँ थी जिसने ध्रुव को संस्कार दिए और इस बालक ने 5 वर्ष की उम्र में भगवान को प्रत्यक्ष करके बता दिया। प्रहलाद जी की कथा आप सब सुनते हैं, उस मीरा की कथा आप सबने सुनी है, नहीं तो हमारी संस्कृति ने कहा कि वो माता पिता दुश्मन है, शत्रु है, वैरी है। यौन वाले ने पाठता, किताब पढ़ाने से ही मतलब नहीं है उसको, उसको संस्कारों का अध्याय नहीं पढ़ाया तो माता पिता ने तो बच्चों के साथ बहुत बड़ी दुश्मनी की। भगवान कूर्म नारायण ने भी इसके ऊपर बड़ा जोर दिया, वेदाभ्यासो नियम सक्त्या श्राद्धया यतिथि पूजनम, ग्रंथों को नहीं पढ़ा, अतिथियों का आदर नहीं किया, ये गृहस्थ के लिए बताया, खुद भूखे रह लेना लेकिन आपके घर में आया हुआ अतिथि भूखा ना जाए। संतों ने बड़ी बड़ी दुहावली लिखी, संतुष्ट जीवन भी जिया तो उसके लिए क्या कहा, आवे उन्होंने भी, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधनों भूखा जाए, यानी मेरे घर में जो अतिथि आवे उसका मैं सम्मान कर सकूं, उसको पानी पिला सकूं, उसको कुछ खिला सकूं। वह संत जो नदियों के किनारे रहते हैं, कुटिया में रहते हैं, वेड़ में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, वह भी भगवान से यह मांगते हैं, और यह गृहस्थ जीवन के लिए एक सबसे बड़ा धर्म है वह आतिथ्य सत्कार। महाभारत की कथा में पांडव वन में हैं, अपना वनवास भोग रहे हैं, लेकिन इस गृहस्थी से कोई भूखा ना चला जाए, सूर्य भगवान की आराधना युधिष्ठिर करते हैं अक्षय पात्र प्राप्ति के लिए। मैंने परसों के प्रवचन में निवेदन किया है, आपकी देहली पर यदि कोई बाहर का व्यक्ति जिस दिन भोजन करके चला गया, सत्य है मान लीजिए आज आपने श्रीनाथ भगवान के 56 भोग की रसोई लगा दी, खुश होना चाहिए। यह मन देखना कि तोला में दाल कितनी रखी है, और जो दूसरों को जिमाते जिमाते स्वयं भूखे रह जाते हैं उनकी रसोई में कभी कमी नहीं आती। अपने लिए भी जीना क्या जीवन है, जिंदगी है नाम उसका जो जीवन दूसरों के लिए जी लिया जावे। कितनी सुंदर वीडियो लग रही है, कितना सुंदर लग रहा है, भव्य नजारा, लग रहा है देखते ही रहे भाई, प्रवीण कमाल है, कभी तो लग रहा है समुद्र में कथा हो रही है, पहाड़ में हो रही है, और हो रही है। हाँ हम बैठे जरूर है यहाँ परिसर में, लेकिन अंदर से तो ये ही लग रहा है कि कूर्म भगवान की गोद में ही बैठकर, कछुआ भगवान के सन्मुख ही बैठकर कुछ कहा जा रहा है, उनसे वार्ता हो रही है, अच्छा लग रहा है, सकुन लग रहा है, बढ़िया लग रहा है।
ये तस्वीरें ये सब आप देख रहे हैं, बीच में सुंदर सुंदर फूल, ये वह फूल हैं, ये वह नजारा है जो तुलसी तपोवन मठ में ये नजारा खिलने वाला है। ये उद्यान, ये बगीचे, ये रौनक, ये सब आपको दिखाया जा रहा है कि आने वाला समय तुलसी वन आश्रम का ऐसा है, ऐसे आनंद आएगा, उसकी ऐसी अनुभूति।